अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश. दिस इज़ मिस नौशीन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोना रीड लेसन नंबर 4 ऑफ योर बुक द ग्रेट विजनरीज ऑन पेज नंबर 77. सो बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग यू मस्ट नो वट इज मीन्ड बाई विजनरी. अ विजनरी इज अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम. विजनरी मीन्स एक ऐसा शख्स जो अपनी विजडम से फ्यूचर को प्लान करता है या फिर उसके बारे में सोचता है. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट द टू ग्रेट विजनरीज, द कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द टीचर असाइंड द क्लास अ प्रोजेक्ट फॉर द समर वेकेशंस टाइटल्ड द ग्रेट विजनरीज. टीचर ने बच्चों को समर वेकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जिसका टाइटल है द ग्रेट विजनरीज. द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल. स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो 4 के ग्रुप्स में काम करें और अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें. द टू ग्रेट विजनरी लीडर्स ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट, जो कि पाकिस्तान मूवमेंट के 2 अहम बसीरतमंद रहनुमा थे. दे वर आस्क टू डेवलप अ बुकलेट. उनसे कहा गया कि वो एक बुकलेट डेवलप करें. वट इज़ बुकलेट? अ बुकलेट इज़ अ वेरी थिन बुक विद अ स्मॉल नंबर ऑफ पेजेस. दे वर आस्क टू डेवलप अ बुकलेट, अ न्यूज़पेपर एडिशन और एनी अदर फॉर्म ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. उनसे कहा गया कि वो उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन की बिहाफ पर कोई बुकलेट या कोई न्यूज़पेपर एडिशन या किसी भी तरह की कोई भी विजुअल प्रेजेंटेशन तैयार करें. द मेम्बर्स ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स डिसाइडेड टू स्प्लिट अप द इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क. ग्रुप में से एक ग्रुप के मेम्बर ने ये डिसाइड किया कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क को डिवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. हुमा एंड तायरा ऑफर्ड टू लुक अप इंफॉर्मेशन ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ जिना लाइफ. हुमा और तायरा ने यह पेशकश की कि वो जिना की ज़िंदगी की कुछ पहलुओं के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी. वाइल लुबना एंड फरीन एग्रीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इकबाल. और जबकि लुबना और फरीन इस बात पर रजामंद हो गई कि वो इकबाल की ज़िंदगी के बारे में मालूम हासिल करेंगी. दे डिसाइडेड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर थ्रू ईमेल्स. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपस में ईमेल के ज़रिए शेयर करेंगे. हियर आर सम ऑफ देयर ईमेल्स. और अब यहाँ इनके कुछ ईमेल्स हैं. सो फर्स्ट ईमेल इज़ फ्रॉम ताहरा टू हुमा, लुबना एंड फरीन. फर्स्ट ईमेल जो है वो ताहरा ने लिखी है हुमा, लुबना और फरीन को. डियर हुमा, हेयर सम इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट द कायदे आज़म. यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे कायदे आज़म के बारे में मिली है. पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स, उनकी शख्सियत और कामयाबी. कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना वॉज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनैलिटीज ऑफ साउथ एशिया. कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा डायनामिक पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं. हिज मैसेज ऑफ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. और उनका पैगाम यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन. एंड हिज डिटर्मिनेशन एंड स्टीडफास्टनेस. और उनकी जो है कुव्वत इरादी और उनके साबित कदमी. इफ़ मेड द गाइडिंग प्रिंसिपल बाय द नेशन. अगर कौम ने इसको अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बना लिया होता. कैन स्पीडली सेट द नेशन ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी. तो कौम जो है वो तेज़ी से तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो जाती. ही वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ बॉम्बे. बैरिस्टर्स मीन्स लॉयर्स. ही वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ बॉम्बे. वो बॉम्बे के टॉप बैरिस्टर्स में से एक थे. बट हिज़ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, लेकिन उनकी जो सबसे अजीम कामयाबी थी, विच इज़ अनपैरल्ड इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो कि आज भी मौजूदा दौर के तारीख में जिसका कोई सानी नहीं है, इज़ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. और वो है पाकिस्तान की तख्लीक. द वर्ल्ड हैज़ सीन मैनी लीडर्स हु हैव ऑब्टेन्ड इंडिपेंडेंस फॉर देयर पीपल फ्राम अनडिज़ायर्ड रूलर्स. दुनिया ने ऐसे बहुत सारे लीडर्स देखे हैं जिन्होंने जो है अपने मुल्क के लिए आज़ादी हासिल की अनडिज़ायर्ड रूलर से, मतलब अपने नापसंदीदा हुक्मरान से. बट फ्यू हैव अचीव्ड व्हाट द कायदे आज़म डिड. लेकिन उनमें से कुछ को ही वो मिला जो कायदे आज़म को हासिल हुआ. ही क्रिएटेड अ न्यू कंट्री. उन्होंने एक नया मुल्क क्रिएट किया. ही लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अचीव एन इंडिपेंडेंट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान. उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की एक अलहदा रियासत हासिल करने के लिए जिसे पाकिस्तान कहा जाता है. वेयर दे कुड लीव ऑनरेबली अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ देयर फेथ एंड कल्चर. जहाँ वो इज्जत और अपने दीन की तालीमात और सकाफत के साथ रह सकते थे. रिगार्ड्स ताहिरा.
Okay, so here is another email which was from Huma to Tahira, Lubna and Fareen. अब हमारे पास एक दूसरी ईमेल है जो हुमा ने लिखी है ताहिरा, लुबना और फरीन को. सो लेट्स सी व्हाट डिड शी शेयर विद देम. ताहिरा, हियर सम मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन ऐड इन दिस सेक्शन. ताहिरा, यहाँ पे कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन है जो हम इस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं. मोर ओवर, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द ओनली लीडर इन ब्रिटिश इंडिया हु वॉज पॉपुलर नॉट ओनली अमंग द मुस्लिम्स बट ऑल्सो हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ अदर फेथ्स इंक्लूडिंग द हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स एंड पारसीज. इसके अलावा कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश इंडिया के वो वाहिद लीडर थे जो न सिर्फ मुसलमानों में मकबूल थे बल्कि दूसरे मजाहिब के लोग, दूसरे अकीदे के मानने वाले भी आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम करते थे जिनमें हिंदूज, क्रिश्चन, सिख्स और पारसीज शामिल थे. ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल फेथ्स, सम हिंदू लीडर्स लाइक Gokhale and the famous Hindu poetess Sarojini Nidhu called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. तमाम मजाहिब और तमाम अकायद के लिए उनकी रवादारी और उनकी एक्सेप्टेंस की वजह से कुछ हिंदू लीडर्स जैसे कि Gokhale और the famous Hindu poetess और मशहूर हिंदू शायरा Sarojini Nidhu called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. उन्होंने कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बेहतरीन सफ़ीर करार दिया. बेस्ट विशेस हुमा. ओके, सो नेक्स्ट ईमेल इज़ फ्रॉम फरहीन टू हुमा, लुबना एंड ताहिरा. अब नेक्स्ट ईमेल जो है वो फरहीन की तरफ से हुमा, लुबना और ताहिरा को. हुमा एंड ताहिरा, यू माइट वॉन्ट टू ऐड दिस वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस सेक्शन. हुमा और ताहिरा, तुम इस हिस्से में ये अहम मालूमात ज़रूर शामिल करना चाहोगी. हाउएवर, ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, वाइल पाकिस्तान वुड बी अ स्टेट वेयर द मुस्लिम वुड बी फ्री टू प्रैक्टिस द टीचिंग्स ऑफ देयर फेथ एंड टू प्रॉस्पर इकोनॉमिकली. मजीद ये कि कायदे आज़म एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर थे, बहुत ज़्यादा श्योर थे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगी जहाँ मुसलमान आज़ादी से अपनी तालीमात पर अमल कर सकेंगे और माली तौर पर खुशहाल होंगे. This is no way mean that the people of other faith living in the geographical boundaries of the new state would in any way be lesser citizens. और इसका किसी तरह भी ये मतलब नहीं था कि दूसरे अकायद के, दूसरे मजाहिब के मानने वाले लोग जो इस रियासत की जग्राफियाई हदूद के अंदर रिहाइश पजीर होंगे वो किसी भी तरह के कम दर्जे के शहरी होंगे या किसी भी तरह से मुसलमानों से कम होंगे. फरहीन, ये ईमेल थी फरहीन की तरफ से. We have another email which is from Tahira to Huma, Lubna and Fareen. हमारे पास एक दूसरी email है Huma, Lubna और Fareen की जो Tahira ने लिखी है Huma, Lubna और Fareen को. So let's see what information did she share about Qaid Azam. Thank you Huma, I agree with you. Now here is some more information about him. शुक्रिया Huma, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ और अब Qaid Azam के बारे में कुछ मज़ीद information है. Political acumen and contribution, सियासी फरासत और हिस्सा. Initially, Qaid Azam was a strong proponent. Proponent means one who argue in favor of something. Proponent का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ के फेवर में argument करना. Initially, Qaid Azam was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress. शुरू में Qaid Azam मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे और Indian National Congress के एक सरगर्म रुकन थे. But As an outstanding political leader, लेकिन एक अजीम सियासी रहनुमा की हैसियत से he was very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. लेकिन एक अजीम सियासी रहनुमा की हैसियत से कायदे आज़म ने इस बात को बहुत ही जल्दी सेंस कर लिया, महसूस कर लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बरसगीर के हिंदुओं की रहनुमाई हिंदू मुस्लिम तफरीक की जानिब कर रही है. दिस ही रियलाइज्ड वुड रिजल्ट इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक विक्टिमाइजेशन ऑफ द मुस्लिम इन द रीजन. उन्हें यह एहसास हो गया कि इसका नतीजा मुसलमानों को सियासी और मुआशी तौर पर विक्टिम बनाना, मतलब मुसलमानों को सियासी और मुआशी निशाना बनाना निकलेगा. Therefore, he decided to leave the Congress and join the Muslim League. और फिर इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया. Soon after joining the Muslim League, he became its president. और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के फौरन ही बाद वो उसके प्रेसिडेंट बन गए. He very intelligently pleaded the case of a separate homeland for the Muslim and succeeded in getting Pakistan. और आपने बहुत ही दानिशमंदी से मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मामला उठाया और पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए.
This was despite a strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindus. और ये उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के दो ताकतवर तरीन खिलाड़ी यानी अंग्रेज़ हुक्मरान और हिंदू अक्सरियत के मुखालफत के बावजूद हुआ. हैव यू फाउंड सम मोर इन्फॉर्मेशन? क्या तुम्हें और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? ताहिरा. नाउ लुक एट एन अदर ईमेल विच इज़ फ्रॉम हुमा टू लुबना फरीन एंड ताहिरा. अब एक दूसरी ईमेल है जो हुमा ने लिखी है लुबना फरीन और ताहिरा को. लेट्स सी. थैंक यू फरीन, वी विल डेफिनेटली एड दिस. शुक्रिया फरीन, हम इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर इसमें शामिल करेंगे. नाउ हियर इज़ द विजन दैट द कायद अजम हैड फॉर पाकिस्तान. और अब ये है पाकिस्तान के लिए कायद का तसव्वुर. एस्पायरेशंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए जज्बा. कायद अजम इनविजन पाकिस्तान एज अ नेशन स्टेट इंश्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान. कायद अजम ने पाकिस्तान का तसव्वुर एक ऐसी कौमी रियासत का किया जहां पाकिस्तान के तमाम शहरियों के हुकूक मसावी होंगे. ऑन अगस्त 11, 1947 द कायद अजम ऑन हिज इलेक्शन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड. 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आइन साज असेंबली का पहला सदर मुंतखब होने पर कायद अजम ने ऐलान किया, वाजा किया, You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other places of worship in this state of Pakistan. आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपने मस्जिदों में जाने के लिए या फिर इबादत की किसी भी जगह जाने के लिए. आप आज़ाद हैं पाकिस्तान के इस रियासत में. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another. हम उन दिनों से शुरू कर रहे हैं जब किसी एक कौम या दूसरी कौम में कोई इम्तियाज नहीं, कोई तफरीक नहीं, कोई फ़र्क नहीं. वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट. और हम इस बुनियादी उसूल के साथ शुरू कर रहे हैं कि हम सब शहरी हैं और हम सब मसावी शहरी हैं एक ही रियासत के. ही ऑल्सो वॉन्टेड पाकिस्तान टू बी अ स्टेट वेयर जस्टिस एंड मेरिट प्रिवेल्ड. वो पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना चाहते थे जहाँ इंसाफ और अहलियत कायम हो सके. ही वॉन्टेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू बी यूनाइटेड एंड टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग दिस न्यू कंट्री एन एग्जाम्पलरी स्टेट. वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लोग मुत्तहिद हो जाएं और मिलकर इस नए मुल्क को एक मिसाली रियासत बनाने के लिए काम करें. ही सेड माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कम्प्लीट इम्पार्शियलिटी and I'm sure that with your support and cooperation I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. unhone kaha ki mera rehnuma usool insaaf aur mukammal ghair janibdari hogi aur mujhe yakeen hai ki aapki madad aur taawun se main Pakistan ko duniya ki azim tareen qaumon mein se ek qaum bante hue dekh sakta hu. Alas, this great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps. अफसोस, अपने तसव्वुरात को अमली इकदामात में ढालने से पहले इस अजीम रहनुमा को यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ा. इट इज़ नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट द फ्यूचर डायरेक्शन फॉर दिस ग्रेट कंट्री बाई इम्प्लीमेंटिंग द कायद विजन ऑफ पाकिस्तान. और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के लिए कायद के तसव्वुर को इम्प्लीमेंट करके इस अजीम मुल्क के मुस्तकबिल की समतें मुतय्यन करें. If we truly want to pay homage to our great Qaid, we should try and do the things he wanted us to do and not merely praise what he did. अगर हम सच में अपने अजीम कायद को ख़राज़ तहसीन अदा करना चाहते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करना चाहिए जो वो हमसे चाहते थे कि हम करें. और उन्होंने जो कुछ भी किया न सिर्फ उसकी तारीफ़ करें बल्कि उसके लिए कोशिशें भी करें. On every Independence Day, we should think of what we need to do to take Pakistan forward on the way to peace and prosperity. और हर यौम आज़ादी पर हमें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को अमन और खुशहाली के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है. ताहिरा, आई थिंक वी नाउ हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कायद अजम. ताहिरा, मुझे लगता है कि अब कायद अजम के बारे में हमने काफ़ी मालूम कलेक्ट कर ली है. लेट्स सी व्हाट लुबना एंड फरीन फाइंड अबाउट अलामा इकबाल. अब देखते हैं कि लुबना और फरीन ने अलामा इकबाल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है. वी विल देन मीट एंड डिसाइड हाउ टू प्रेजेंट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. उसके बाद हम मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि इन तमाम इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट करना है. बेस्ट विशेस, हुमा. ये ईमेल थी हुमा की.
जो उसने लिखी थी लुबना फरीन और ताहिरा को. अब तक हमने जितनी भी ईमेल पढ़ी है दैट ऑल वॉज अबाउट कायदे आज़म. एज यू नो दैट दिस चैप्टर इज़ अबाउट कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल बोथ. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के दोनों के बारे में है. और अब तक स्टूडेंट्स ने जितनी भी ईमेल कलेक्ट की और शेयर की और आपने अब तक जितना भी पढ़ा है दैट ऑल वॉज अबाउट कायदे आज़म और ये सब कायदे आज़म के बारे में था. नाउ वी हैव 3 मोर ईमेल्स टू रीड एंड दीज ईमेल्स आर अबाउट अल्लामा इकबाल. और अब हमारे पास 3 मज़ीद ईमेल्स हैं पढ़ने के लिए और ये तमाम ईमेल अल्लामा इकबाल के बारे में है. बट वी विल डिस्कस दिस ईमेल्स इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.